सीएम योगी ने आज गंगा यात्रा के लिए रथों को हरी झंडी दिखा दी है। जाहिर है बीजेपी गंगा सहारे लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। ये गंगा यात्रा 26 जिलों से होकर गुजरेगी। दोनों यात्राएं एक साथ शुरू की जाएंगी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि लोग गंगा को अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं। तो बड़ी खबर बता दें, सीएम योगी ने गंगा यात्रा को हरी झंडी दिखा दी है। उन्होंने इस खास मौके पर कहा कि हमारी आस्था ही नहीं अर्थव्यवस्था भी है। इस अवसर पर उन्होंने ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हमारी सरकार का लक्ष्य गंगा नदी को साफ और निर्मल बनाना है। हमारे देश में आस्था का प्रतीक तो गंगा नदी ही है, इनको तो जीवदामिनी माना गया है। गंगा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, 26 जिलों से होकर ये गंगा यात्रा गुजरेगी और एक साथ शुरू होगी दोनों यात्राएं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस गंगा यात्रा को हरी झंडी दिखा दी है। माना यह जा रहा है कि गंगा यात्रा के बहाने ही योगी सरकार हिंदुत्व एजेंडे को और धार देना चाहती है। गंगा यात्रा राज्य के 27 जिलों से होकर गुजरेगी। हर जगह पर इलाके के सांसदों और विधायकों का भी साथ रहने को कहा गया है। और इसके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जगह जगह रैलियां भी करेंगे। सरकार का कुल मिलाकर प्रयास यही है कि गंगा नदी के किनारे जगह जगह आरती जो है वो शुरू की जाए, और इस यात्रा के दौरान कुछ खास जगहों पर खुद योगी आदित्यनाथ आरती की शुरुआत करेंगे। पर आज से गंगा यात्रा की शुरुआत हो गई है और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं जहां पे किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने यात्रा की शुरुआत झंडा दिखाकर किया है। 26 जिलों से होकर ये यात्रा गुजरेगी, जिसका शुभारंभ योगी आदित्यनाथ के हाथों आज किया गया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज सुबह ही गंगा यात्रा की औपचारिक शुरुआत कर दी है। झंडे फहराते हुए आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, झंडे फहराने के साथ ही इस यात्रा की शुरुआत की गई है। गंगा यात्रा बिजनौर से 27 जनवरी से बिजनौर से शुरू होगी और ये जो यात्रा है वो 31 जनवरी तक चलेगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस यात्रा में शामिल होगी। फिलहाल ये यात्रा को दो विभागों में बांट दिया गया है, तो दूसरी यात्रा में आनंदीबेन पटेल जो है वो शामिल होगी, जो उनकी शुरुआत बलिया से करेंगी। माना यह जा रहा है कि इस यात्रा का समापन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। जाना बच्चों से हम तुझे मनाने आए हैं, दूर उठ न जाना। वर्षों से जो लोगों के मन में एक टीस होती थी कि काश गंगा भी स्वच्छ होती तो हम भी इसमें डुबकी लगा करके स्नान करते, पुण्य के भागीदार बनते, और कई दशकों के बाद पहली बार यह अवसर पिछले वर्ष प्रयागराज कुंभ के अवसर पर उन करोड़ों श्रद्धालुओं को प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण नमामि गंगे परियोजना की सफलता के कारण प्राप्त हुआ। कानपुर में अकेले सीसामऊ नाले में 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा जी में गिरता था। 128 वर्षों से सिलसिला चला रहा था कि नमामि गंगे परियोजना के कारण समयबद्ध ढंग से प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में प्रदेश सरकार ने जो कार्य किया, आज एक बूंद भी सीवर कानपुर में गंगा जी में नहीं बह रहा है।
और इस खबर पे हमारे साथ नरेंद्र यादव फोन लाइन पे बने हुए हैं। नरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि आज योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखा दी है, तो इसका मूल उद्देश्य क्या माना जा रहा है गंगा सफाई को देखते हुए? देखिए, पूरी यात्रा जो ये आयोजित की गई है नमान गंगे परियोजना से ये प्रेरित है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी बनारस में जब आए थे उन्होंने शुरुआती दौर में भी ये ऐलान किया था कि गंगा की निर्मलता और अविरलता को सही किया जाएगा और गंगा को साफ किया जाएगा, और नमान गंगे योजना चली थी जिसके तहत करोड़ों रुपए का बजट आवंटित किया गया था और तमाम परियोजनाएं चला के गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाया गया था। काफी हद तक काम हुआ है, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपने संबोधन में कहा कि तमाम जो गंदगी और सीवर के नाले गिरा करते थे गंगा नदी में, उसको रोक दिया गया है, जल अब साफ हो गया है। पहले जल जीव गंगा नदी में कानपुर के आसपास समाप्त हो गए थे, अब गंगा नदी में मछलियां और तमाम जल जीव देखे गए हैं। तो इससे एक तथ्य उन्होंने लोगों के सामने रखा कि हमारे प्रयास से गंगा को स्वच्छ किया जा चुका है और अभी अभियान जारी है। इसी के तहत भव्य गंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इसकी रूपरेखा करीब एक महीने पहले से ही तैयार की जा रही थी, जिसको लेकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार इस पे काम कर रहे थे। आज गंगा रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रवाना किया है, लेकिन इससे पहले एक बड़ा कार्यक्रम बनाया गया है कि गंगा को लोगों के साथ जोड़ा जाए, लोगों की भागीदारी इसकी स्वच्छता में रहे, निर्मलता में रहे, और तमाम तरीके का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा जिसमें गंगा की नियमित आरती की जाएगी और गंगा के किनारे चबूतरे का निर्माण किया जाएगा और गंगा नदी के किनारे पार्क बनाए जाएंगे जिसमें नगर निकाय का जो एरिया है वो बनाएगा, जहाँ पे ग्राम पंचायतें हैं वो गंगा का मैदान विकसित करेगी, वही कृषि विभाग ऑर्गेनिक खेती करेगा और इसके लिए लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, फलदार वृक्षों को लगाया जाएगा, गंगा नदी के किनारे एक तरीके से नर्सरी लगाई जाएगी, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा की जाएगी, जल संरक्षण के लिए गंगा तालाब की स्थापना की जाएगी, पॉलीथीन मुक्त का अभियान चलाया जाएगा, स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा और गंगा ओपन जिम की भी स्थापना की जाएगी। महानगरों में जो किनारे पे जमीन है गंगा एरिया के किनारे, वहां पर ओपन जिम की भी स्थापना की जाएगी और जो सौदागिरी हैं उनको बढ़िया से बनाया जाएगा, यानी कि उसको आधुनिक किया जाएगा। तमाम खेल के आयोजनों का भी इस पे प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। गंगा के किनारे वाटर स्पोर्ट्स की बात की जा रही, तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रदेश सरकार ने एक बड़ी कार्य योजना तैयार की है जिसमें तमाम विभाग शामिल हो गए गंगा की स्वच्छता के प्रति और गंगा को जीवित रखने के लिए, और गंदगी जिससे नदियों में ना जाए इससे लोगों की जन सहभागी हो इसके लिए काम किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि गंगा को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश सरकार शुरू करेगी जिससे गंगा के किनारों को स्वच्छ किया जाएगा और एक तरीके से गंगा से जुड़ी तमाम परियोजनाएं चालू की जाएंगी, चाहे वो गंगा तालाब हो, गंगा पार्क हो, गंगा ऑर्गेनिक खेती हो। इन सबको प्रोत्साहित करने के पीछे सरकार की मंशा यही है कि नदियों को अब तक हम गंदी करते थे और जबकि गंगा आस्था ही नहीं और हमारी आर्थिक गतिविधि का भी केंद्र रही है गंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो है उर्वरा जी बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर ये समझा जाए कि सरकार का बस लक्ष्य जो है वो यही है कि गंगा नदी को कैसे साफ किया जाए और कैसे निर्मल बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।